क्या सर आज क्या क्या मामला सामने आया? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मध्य विश्वविद्यालय की विद की परीक्षाएं चल रही थी, जिसमें मकनपुर के एमडी केपी ला कॉलेज मकनपुर बाराबंकी में स्थित है, वहां का परीक्षा केंद्र भी यहां था। बाहर प्रवेश के समय तलाशी के दौरान 4 संदिग्ध बच्चे दिखे, जो कि जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि हम दूसरे की जगह पर परीक्षा देने जा रहे हैं। हमारे जो आंतरिक सचल दल थे उन लोगों को पकड़ के बाहर जो पुलिस बैठी थी उनको सौंप दिया। जब पुलिस ने सच्चाई से कड़ाई से पूछताछ की तो कड़ाई से पूछताछ करने में उन्होंने ये बताया कि हाँ, ये बात स्वीकार कर ली कि हाँ हम दूसरे की जगह पर परीक्षा देने जा रहे थे। फिर उनको पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। जो 4 विद्यार्थी आए थे, क्या उनके पास एडमिट कार्ड भी था? हाँ, वो एडमिट कार्ड लेके आए थे। उस एडमिट कार्ड पे जो उनका नाम लिखा हुआ था वो था त्रिभुवन सिंह, सतीश कुमार, दिनेश कुमार यादव, विकास श्रीवास्तव। और जो ये बच्चे आए थे जो देने के लिए, इनका नाम था श्याम कुमार, हरिकेश कुमार, अनुज कुमार, विनय कुमार। ये 4 बच्चे आए हुए थे जो परीक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। क्या मकसद था उनके पीछे इसके आने का? उनके पीछे मंशा ये ही रहा होगा, जहाँ तक मेरी सोच है, कि किसी तरह से हमारा सेमेस्टर बच जाए, हम अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर जाएं। पहले भी ऐसा क्या कभी? ऐसा कभी पहले कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा के दौरान शुचिता बनाए रखने के लिए सघन तलाशी होता है। उसी का परिणाम था कि ऐसे व्यक्ति जो पहली बार आए वो पकड़े गए। पूछताछ में क्या बताया उन लोगों ने? कुछ बताया कि कहाँ से आए हैं, कैसे आए? अब उन लोगों ने बताया कि हमें किसी के द्वारा भेजा गया है, नाम हमारे सामने उन्होंने नहीं लिया, कहा कि किसी के द्वारा भेजा गया है और हम लोग उनके कहने पर आए हैं। शेष पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है, पुलिस इसके संबंध में अपनी पूछताछ करेगी। उनको जो एडमिट कार्ड दिया गया था बच्चों को, वो किनके द्वारा दिया गया? वो कॉलेज के लोग बाहर गेट के बाहर एडमिट कार्ड बांटते हैं, जिनका परीक्षा केंद्र है वो लोग गेट के बाहर अपना एडमिट कार्ड बांटते हैं। वो बताए कि कॉलेज के लोग बाहर खड़े थे, उन्होंने हमें एडमिट कार्ड दिया है और हमसे कहा कि आप जाइए परीक्षा दीजिए। क्या वो शिक्षक थे? अब इसके बारे में हमारे पास विशेष जानकारी नहीं है कि गेट के बाहर कौन है, इसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। सर, आज TRC कॉलेज में कुछ पकड़े गए हैं अभियुक्त जो दूसरों की जगह पर LLB की परीक्षा देने आए थे, क्या है प्रकरण? TRC लॉ कॉलेज सतरिख बाराबंकी में है, यहाँ पर कुछ लड़के पकड़े गए हैं जो दूसरे के स्थान पर मुन्ना भाई बनकर के एग्ज़ाम देने आए थे। ये 4 व्यक्ति थे जो दूसरे अन्य 4 के कैंडिडेट के नाम पर एग्ज़ाम देने आए थे, उनको पकड़ा गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। गहन पूछताछ में ये पता चला है कि ग्रामांचल लॉ कॉलेज हैदरगढ़ और NTKP मकनपुर का सेंटर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय LLB फर्स्ट ईयर की परीक्षा हो रही थी यहाँ पे, उसमें ये लोग पकड़े गए हैं। इसमें जो मेन इनका जो कोऑर्डिनेटर है वो हिमांशु करके है, जो लखनऊ पारा का रहने वाला है। वो बाराबंकी के छाया चौराहे पे दिहाड़ी मजदूरों का सेंटर लगता है, वहाँ से इन लोग को ले जाके कुछ पैसे का इनको दे करके कि आ तुमको दिहाड़ी जो मिलती है वो हम तुम्हें देंगे, खाली तुम कॉलेज के एग्ज़ाम में अपीयर हो जाओ, और वहाँ ले जा करके इन लड़कों को बैठा दिया एग्जामिनेशन के लिए। बाद में इन्विजिलेटर जो उड़नदस्ता होता है उसने पकड़ा, अब मुकदमा लिखा गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है।